स्वागत है प्रीति सूर्या व्लॉग्स में और होप सो आप सब एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने घर पे। और आज है गणपति हमारा विसर्जन, जो कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि आज हम जाने वाले हैं, कौन कौन, मैं और मम्मी जाएंगे इस वाले घर से, और भी काफी सारे लोग आ रहे हैं जो कि आपको आगे व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। हाँ, यशविनी भी जा रही है। अगर यशविनी नहीं सोती तो यशविनी को भी लेके जाती हूँ, अगर ये सो जाती है फिर उसके बाद में मैं यशविनी को कैंसिल कर दूंगी। तो गाइस, आज हमारे गणपति है वो विसर्जित हो जाएंगे। और 5 दिन सपना ने गणपति बिठाए थे, बट मैंने फर्स्ट डे उसको प्रॉमिस किया था कि यार मैं 5ों दिन आऊंगी, बट यार ना मतलब ये 3 दिन मैं जा ही नहीं पाई क्योंकि थोड़ा सा भागा दौड़ी रही ये 3 दिन। और फर्स्ट डे मैं गई थी जैसे कि आप सबको पता ही है, और आज है लास्ट डे, तो आज भी मैं चली जाऊंगी। मेरे को सब पता है, वो मिलने के बाद में मुझे थोड़ा सुनाने भी वाली है। और अभी मुझे जस्ट उसी का एक कॉल आ रहा था, वो ऐसे बोल रही थी कि है ना मेरी जो सासू माँ है ना वो तेरे को है ना डांट लगाएगी जब भी तू आएगी, क्योंकि उसकी सासू माँ ने बोला है कि प्रीति है तो बोल रही है मैं 5 दिन आ जाशू और 1 दिन ही आई है। तो ऐसे करके मतलब कुछ थोड़ा बहुत मुझे सुनना पड़ेगा गाइस, तो सुन लेंगे। तो बड़े लोग का सुनना तो वाजिब है, अगर वो सुनाते हैं तो सुन लेंगे, बट हमारी जो सपना रानी है उसका मैं नहीं सुनने वाली। आपने क्या बोला, नहाई हुई हूँ? आप नहाई हुई हो? तीनों ही सोते हैं। एसी स्टार्ट करो। कहाँ चले? नहीं, आप तो है ना यही रहना यशविनी, वहाँ पे है ना हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं सपना मौसी। तो गाइज मैं तो रेडी हो गई, बच्चे दोनों सो गए और कॉटन है ना कंफर्टेबल रहेगा तो इसलिए मैंने ये वाला ही सूट वेयर कर लिया। बट मैं यहाँ नीचे क्यों बैठी हूँ, क्योंकि यार रिशु के पापा है ना मेरी वाली जो गाड़ी है वो लेके चले गए। मैंने जस्ट अभी उनको कॉल ही किया है, वैसे बोल रहे 10 मिनट में आ रहा हूँ, और मेरे को पता है उनका जो 10 मिनट है ना वो 1 घंटे के ही ऊपर चला जाएगा, क्योंकि है ना मतलब वो जब भी जाते हैं ना मैं जब भी उनको फ़ोन करती हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ तो 1 घंटा लगा देता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मेरी स्कूटी ही निकालनी पड़ेगी, और स्कूटी निकालने में बहुत ही ज़्यादा जोर आता है, और इतने बड़े सारे लहंगे के साथ मैं स्कूटी नहीं निकाल पाऊँगी यार। देखते हैं क्या होता है, या तो मैं पूजा को फ़ोन करके बुलाती हूँ, पूजा निकाल देगी, या फिर थोड़ा सा मैं 10 मिनट तो वेट कर लेती हूँ, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर स्कूटी से तो जाए। ऋषि को पापा तो कौन आया, और जी हाँ दिया स्कूटी ना बाहर निकाली है। सपना 5 बजे को बोली मैंने, और 4:56 अठाई हो चुकी है, और 5-10 मिनट का रास्ता है भी, तो ज़्यादा दूर ही होनी। ये लो सर, गाइस पहुंच चुकी हूँ मैं सपना के पास, और अब फटाफट से चलते हैं अंदर, डांट लगाने वाली मुझे आज। बता, तो जोर की सुंदर लग रही है। बात करने की कोई जरूरत नहीं है। किससे बात करोगे आप बताओ, नहीं करोगे मेरे से? तेरे तो देखा इसके चार दर्शन में दिए ना इसने, नहीं करोगे ना आप मेरे से? अरे आएंगे आएंगे। अरे यार पता क्या हुआ, मतलब 2-3 दिन से ना मैं बिजी हो गई। अच्छा, भजन वजन चल रहे? यशविनी उसको सुला के आ गई मैं। पता है यार 5 दिन है ना कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। जब मैं सपना के पास गई थी ना, सपना खुद बोल रही थी यार ना मतलब इतने जल्दी निकले ये वाले दिन, और यहाँ पे जो सपना के काकी सा बड़े मम्मी सब लोग है ना भजन वगैरह कर रहे थे, तो भजन अभी फिनिश हो चुके हैं, थोड़ी सी देर के बाद में पंडित जी आ जाएंगे और थोड़ी पूजा वगैरह स्टार्ट होगी, गणपति जी का जो विसर्जन है वो भी होगा। तो व्लॉग में बने रहना, और सारे फ्रेंड्स वगैरह भी आने वाले हैं। सुरभि यार मतलब सुरभि की है ना जो डॉटर है ना कुहू, तो वो थोड़ी सी बीमार वगैरह हो गई, तो शायद सुरभि आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। क्या गुस्सा है आपको भी मम्मी की तरह? अच्छा, इन भी रेड बनाएगी, बहुत थीम के अनुसार चल रहे दोनों जनी। यार सपना इतना क्लियर, इसीलिए तो यहीं पे बनाती है व्लॉग है ना। बहुत तगड़ो क्लियर आ रहा है, इकलौती यही जगह है है। मैं भी है ना, मेरा है ना घर के अंदर एक कांच है गाइस, वहीं पे बनाती हूँ, आप सबको पता ही है वो स्पेशल एरिया है ना, वहीं मंडराती रहती हूँ। और वैसे कि वैसे ही है ना सपना है वो यहाँ पे बैठ के आराम से बनाती है, पता इतना अच्छा क्लीन सा आ रहा है मेरा चेहरा, इतना सुंदर लग भी नहीं रहा जितना आ रहा है इसमें। सबसे पहले गाइस मैं आई हूँ मैं, और ये बोलती है ना कि सबसे लेट करती है तू, सबसे ओहो सुरभि भी आ गई। लेट नहीं आती नहीं है, बेस्ट फ्रेंड के नाम। अच्छा आती नहीं है गाइस, मैं 3-4 दिन बिजी थी, मैं इसको कैसे समझाऊं, इसके जो सासू मोम है ना वो भी मेरे बड़ो पकड़ लियो। पकड़ती तो मन ये लाके सपना तू ने लगते लगाई है, लगाई तो दिन आते ही मेरे को है ना पता है इसके सासू माँ क्या बोलते कि अब क्या आई आज है, तो
नहीं नहीं गाइस है ना, खराब की बात नहीं है, देखो आप समझते हो ना, बस आप समझते हो, बस सब समझता मेरे लिए। सुरभि आ गई है गाइस, सुरभि 5 मिनट के अंदर अंदर वो मेरे पास पहुंचने वाली इसी रूम में। मैं तो आप डायरेक्ट सपना ये डांस करूंगी, मैं ढोल पे डांस करने आएगी। यस कॉपीराइट भी होने चोको भांगड़ा तो ऐसे भांगड़ा क्यों मेरे ऐसे गुलाल भी मंगवाया है गुलाल और हेलो। ओह माय गॉड हमारी सुरभि रानी आ गई है। सुरभि आ जा इधर आ, सुरभि नहीं तो काई ना काई का ही करे डिजाइन नहीं के, फिर कौन सी वाली करे, देख ये चार बाल आगे करेगी, चार भी एक छोटी में करेगी, चार एक में गा लगी कट करा ले तू और भी बढ़िया एडवाइस दे। हाय चिया, हाय देखो ये दो चोटी बना देसी और 5 मिनट बाद में हाथ में दे देसी ये रबड़ आ नहीं देसी तो मैं छाने से काट के इन दे देसी तू कर दे नहीं दर्द लगाऊं तो है ना चिया, चिया अगर आपके है ना दर्द होना तो मुझे बता देना, मैं निकाल के आपके हाथ में दे दूंगी, आपका नाम तो लगेगा, देखो मैं मेरा नाम नहीं लगा सकती, मेरा नाम लगा दूंगी तो जेल हो जाएगी। चल 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 पंडित जी आइए, थोड़ी इतनी जोर की लगी है मेरे लगेगी अभी तो, तू रात को देख तेरा आज क्या बनाती हूँ मैं, क्या बनाएगी मुझे बोलता नहीं बढ़ता पंडित जी की भी सेल्फी आ गई भाभी सब गुलाल को ले ले आजकल। हाँ हमारे ना मीनाक्षी जी जब आगे गए हमारा जो मिलना था ना वो तो आप चुप करा पा गई तो ये बोला ना 20 मिनट बाद में स्टार्ट हो जाना पूरा फिक्स 20 मिनट बाद में स्टार्ट हो गया। नहीं नहीं मैं बनाऊंगी अच्छा। नहीं 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 यार अब मेरे को डर बैठ गया तेरा, अब मेरे को डर बैठ गया। आ जा तू बैठ पहले पूछ जा, मैं डर बाद में बिठा जी। अपने माता पिता दादा दादी परदादा भाभी इनका ध्यान रखो। हे मातृवंशा प्रभु का अवतार हे वी तो गाइस पूजा वगैरह तो हो गई जैसे कि आप सबने देखा ही था, और अब है गणेश जी का विसर्जन, और विसर्जन से पहले गणेश जी के कान में कोई विश जो भी आपकी है वो मांगी जाती है दूसरा कान बंद करके। तो यहाँ पे सपना मांग रही है, सपना के बाद में मैं भी और सब जितने भी हैं सब अपने अपने विश मांगेंगे। माता जागी पार्वती पिता महादेवा माता जागी पूजा आरती सारी चीजें हो गई, और अब गणेश जी का विसर्जन करने के लिए बाहर जाएंगे हम।
क्या? बताओ गाना, बताओ गाना, तारा रारा। हाँ वो आता आपको तारा रारा, तारा रारा नहीं आता, दूसरा बता। वो गई कहाँ? नाश्ते कर रही है हमारे लिए, हमारी खातिर खातिर। हाँ कटोरिया, तेरे पसीने क्या आया? तू तो एक बार ही डांस कौन करियो, बस सिर्फ बढ़ी तो करियो। डांस से ज्यादा मेहनत है ना वो, ये है जीजा भाई को नहीं पता। घर वाले कहीं क्या? नहीं क्यों, और करना है कि तुझे? वहाँ चलेंगे बोला मंदिर। हाँ चलते हैं, रुकला उनको नाश्ता करके फिर वो रख के आएंगे। हाँ यार चलते हैं। पर वो तो लेके चले गए, वो रेड वाला कौन लेके चले? बना नहीं वो अंदर रखा है जीजा, उन्होंने कल सुबह। अच्छा बता क्या कटोरी लेके आने की? चम्मच भी ले आओ। वो चम्मच, चम्मच मुझे कभी नहीं मिलती तेरे घर में। सपना अगर तू व्लॉग देख रही है तो देख, कहीं पे भी चम्मच नहीं है। कटोरी दे देती उसको। हमने चीटिंग कर। अभी हम जा रहे हैं गणेश मंदिर और वहाँ पे जाके एक रना पंडित जी ने रेड कलर की है ना पोटली सी दी है, जो कि उन्होंने बोला है कि गणेश मंदिर पे छोड़ के आनी है। तो मैं, मीनाक्षी, जीजा, सुरभि, सपना, हम सभी जा रहे हैं। तो सपना वाले घर से ना गणेश जी का जो मंदिर है वो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर, 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। रखा अपनी ऐसे करके, ऐसे बाय किरण जीजा, बाय कोमल। सही है जीजा, जीजा आपको जीजा ही बोलूंगी, कभी आप बोलो मैं बोलूं। जिन्होंने घर पे पूजा करवाई थी उन पंडित जी ने बोला था कि जो गणेश जी का प्रसाद है वो गणेश मंदिर पे चढ़ा के आना है। यहाँ पे सपना के जो सास ससुर है वो ही प्रसाद चढ़ा के और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। अरे प्रीति जीजा आप स्कूटी से अकेले जाओगे ना, तो मन ले जाओ। जल्दी आपको फिर बुलाऊंगी। कब बुलाएगी मेरे को बता दे। जल्दी ये फिर से बुला रही है सपना, अब क्यों बुला रही है ये मुझे खुद को नहीं पता। अगर आप सबको पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर किया। बच्चों ने ये मैंने खुद नहीं किया है। क्या किया आपने? बच्चों की हिम्मत नहीं है पटक बिगाड़ के। बच्चों के नाम लगाने वाली औरत है। हां वापस खुल गया, खुलने दो। वो करा कुनिया भैया, कितना ही कर दो तेरे लिए। तो तेरे को पिंकी ने किया है, पिंकी ने क्रेडिट। तो मैं इसे बालाजी की तरह से छाती फाड़ के दिखा दूंगी ना, जैसे उनके हृदय में वो थे। मैं होंगी यस, तो कार फाड़। गणपति जी को बोल के आई हूं मैं कि हे गणपति जी, मेरी प्रिय सखी प्रीति की हर मनोकामना पूरी करें। कसम खा मेरी, तेरी कसम। अरे ये तो नहीं बोल रही, बोले है भगवान ने को प्रीति का सदैव साथ बनाए रखे हैं। हैं बता, ये मांगवड़ी है क्या? दे पिंकी के। हाँ ओए पिंकी के, दिखा आंखें बंद कर। पिंकी देख तो। हाँ और तो अपन ही कौन कर दो। हमें काजल दो।
निकल रहे हैं। किसने? मैंने। अच्छा तूने? आपको सब सब सबने आपको बहुत याद किया। दोपहर में क्या बता यार, मतलब सगला मन मिस करवा ला गया। थैंक यू सो मच। अब मम्मी से तो पगा ला करोड़ जशी दबा दबा के। ये ना सपना अपनी सासू माँ के लिए बोल रही है और अपने ना जिठानी जी के लिए बोल रही है कि है ना तेरे को दोपहर में ना बहुत ज्यादा मिस किया था उन्होंने, मतलब सबके सभी तेरे को याद करते हैं। पर मैं दोपहर में इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि है ना मैंने सोचा था कि ऋषु को थोड़ा सा मैं पढ़ा दूँ और साथ ही साथ यशविनी को भी पढ़ाना था, यशविनी के भी एग्जाम आने वाले हैं। ऋषु को तो फिर भी कल ना मैम है ना कर देगी मतलब एकदम टिक टॉप, बट मुझे यशविनी को भी ना थोड़ा सा लर्न वगैरह करवाना था, साथ में उसका इतना ज़्यादा होमवर्क हो गया था तो एक डेढ़ घंटे में यशविनी को लेके बैठी थी। तो बच्चों के ऊपर भी देखो ध्यान तो देना ही पड़ता है। और ये हमारी पिंकी रानी, पिंकी बहुत मिस करती है मुझे है ना। हाँ पिंकी क्या बोलता है? ओ क्या कर रही हो? अच्छा मुझे भी दिलाओगे आप? बेटा नहीं, नो 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 नो, आपके लिए मम्मा भी बनाना सीखे। बेजती यार इतने मजे आए चीजा ढोल के साथ गए गणेश मंदिर अभी हम खावा की चीजा। आज चिप्स वगैरह कितने राजी हुए? खाना ले बेटा, तीन बार सीख ले। अच्छा उसका फास्ट है, कोल्ड ड्रिंक तो ले ले। तीन बार सीख ली कर पहले पहले जब। हाँ बेटा आपके लिए मैं दलिया बना रही हूँ, देख तू इस सुन। अच्छा बनाना शेक, गरम दूध में कौन बनाना शेक बनावे? तू कच्चा तो ठंडा करूंगी ना, फिर कच्चा थोड़ी बनाऊंगी। यू बाय कर दो, दे दे। हाँ, कहाँ छोड़ना तुझे? मुझे रावण गेट ड्रॉप कर। रावण गेट हाँ। और यार रास्ते से ना सब्जी भी लेनी है मुझे। हाँ हाँ जीजा सर ने फरमाइश की है, टिंडे टमाटर और वो क्या तोरू तो बिल्कुल ट्रेडिशनल है हमारे जीजा सर, ऐसी ऐसी सब्जी नहीं खाते हैं और ट्रेडिशनल सब्जी खाएंगे आज। तोरू कंकेड दिखेगी गाइस आपको, तोरू भी बोलते हैं ये कंकेड़ा। हाँ ये मेरे जो चिराना वाली मम्मी है ना उनके फेवरेट है ये कंकेड़ा। ये बाढ़ के लगते हैं, चिराना में भी बहुत होते हैं। बारिश आने वाली है, अगर बारिश तो आ जाएगी ना आज तो स्कूटी में अपन कैसे जाएंगे? और बेस हाँ? बेस क्या चीज़ है? बेस पहन रखा है। बेस तो कोई बात नहीं, प्रमोशन होते हैं और आ जाएंगे। एप्पल भैया ने ये लो हमारे एप्पल। नहीं यार सस्ते भी बहुत दिए, 180 रुपए का एक किलो दिए। नहीं और एप्पल अच्छे हैं, अच्छे भी है, बड़े मीठा से। हाँ मीठा अच्छे ना, तो देखो मीठा ही छे। मीठा गुड़ निकला तो वापस ले आओ आंटी जी, थकन वापस लिया जल चख लेना। गाइस अब इनको है ना ऊपर ले जाने में जोर आएगा क्योंकि मेरा जो लहंगा है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उस चक्कर में मैं लहंगा पकड़ूंगी या फिर इनको सामान को लेके जाऊंगी ये समझ में नहीं आ रहा। तो सब्जी मैं लेके आई हूँ मैं, ये तोरू और टिंडी टमाटर। और रिया को छोड़ के आ गई मैं रावण गेट। सांस भर गया पति देव, सांस भर गया। लो सपना ने आपके लिए ना प्रसाद भेजा है। सुनो सपना ने आपके लिए गणेश जी का प्रसाद भेजा है। थैंक यू सो मच सपना भाई साहब। यशविनी कहाँ है मेरी चांद? यशु मिली नहीं रही आज तो कब से, कहाँ चली गई? हाँ स्कूल गई वो तो। सच्ची? अभी रुको उसकी स्कूल में जाके लेके आती हूँ मैं यशविनी को, ठीक है? मैं लेके आ रही हूँ। नहीं मिलेगी वो तो। तो गई कहाँ पे वो? वो तो स्कूल गई है। नॉटी मिल गई। नहीं मिल रही थी ना इतनी देर तक। लड्डू खा लो गणेश जी। चियाने भेजा है यशविनी के लिए। खाती है लड्डू, वो ही भेज रही है आपके लिए। पापा मन यहाँ कौन समझ में आवे कि मैं जाऊं और आया बाद में इतना तगड़ो घर किया मनार कर दियो थे दोनों बाप और बेटी। मैं तो क्यूट हूं दोनों तो। क्यों क्यूट नहीं हो? अरे यशु बोलना मैं तो हम तो क्यूट क्यूट हैं। पापा किसी को बताओ मैं। सच में यार है ना मतलब मैं जब भी है ना घर कहीं पे भी जाती हूं और घर पे आती हूं ना उसके बाद में सीरियसली गाइस पूरा का पूरा घर में इतना बवाल मचा देते हैं। ये देखो पूरा का पूरा बेड देखो। हम तो किसी को बताएंगे ही नहीं।
चलो बहुत कर लिए मज़े, अब लग जाते हैं अपने काम पे। तो सबसे पहले मैं टीनसी की सब्जी छोंकूंगी और फिर उसके बाद में रोटी वगैरह बनाऊंगी। तो ऋषु के पापा को मैंने पूछा था कि तोरू की सब्जी बनाऊं या फिर टीनसी की बनाऊं, तो उन्होंने मुझे बोला है कि टीनसी की सब्जी बना दो। तो ये सब्जी मैंने छोंक दी है और सच में यार, मतलब अपन है ना बाहर से जब घर पे आते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसे फील होता है कि यार अगर ये लोग भी बाहर खा के आ जाते तो अच्छा रहता। पूजा का तो फास्ट है, बस ऋषु के पापा का खाना बनाना है और बच्चों का खाना बनाना है। और पूजा ने आटा तो लगा रखा है, तो जैसे ही सब्जी पक जाएगी वैसे ही मैं चपाती भी सेक दूँ। ओ कैमरा चालू कर, कुछ भी करवा सका आप आई करना। क्या करवाना चाह रहे हो? दोनों जना एक मूवी आ रही है इतनी शानदार, बस दिखा लिया मन। किसी शानदार आ रही मन तो दिखी बुनिया दी ना, शानदार स्त्री पंजाबी मूवी है। लेकिन पंजाबी मूवी समझ में कोनी आवे सा हुकुम आ समझ में आ जेसी मेरा कन्ना तो कमी हो जना दे तो ते तन के जरूरत है तन तो मते समझा देसी। कौन समझा देसी? जीजू सा समझा दे। पंजाबी मूवी मज़ा को नहीं आया पिछली बार, कांटा कौन सी देख रहा है? ऋषु को पापा कौन सी देख के आया पिछली बार? बिकी आप पर नाम ही कौन बेरो गेला मार बेरो पड़े हो काई जोगी को नहीं बातो। मैं नहीं देख के आ रही। आ देख रहा हूँगा, बहुत अच्छी है। पता है तेरा लाइक है जैसा प्रीति का लाइक है, बीवी रजनी, बीवी प्रीति वनो है तन देख के बाद में ध्यान आएगा। बीवी रजनी हाँ। खाना बन चुका है और ये बनाया है मखाने का रायता और ये टीनसी की सब्जी बनाई है जिसमें से तगड़ी वाली धुआं निकल रही है और ये चटनी हो गई काचरी की, ये गणेश जी का लड्डू हो गया और ये चपाती हो गई। सुनो एक बार इसकी, इसने पूरी फैमिली बताई कौन कौन, क्या बताना बिट्टू कौन कौन है? ये मैं हूं, ये मेरे भाई है। अले मम्मी तो पटक दी। कौन मारा बताना एक बार, सुला दे पापा को। पापा थोड़े मोटे हो गए, सुला दे। मम्मी मोटी हो गई, नहीं का टांग सीधा करो पापा का। और ये पापा है और ये मम्मी है। ये पापा तो मोटे ज्यादा हो गए। अब बताओ बेटू कौन कौन किसे बताना? ये ना मैं हूँ, ये भाई है मेरी, ये मम्मी है, ये पापा है। देखा मैं कहाँ पे हूँ? आप तो है नहीं। क्यों? मैं कहाँ पे हूँ? आप तो चिराना हो। है चिराना हो? क्यों चिराना कैसे? मेरे लिए भी लेके आती है छोटी सी। आपके तो वो ज्यादा रुपए ले रहा था ना, 50 रुपए मांगे थे आपके उसने। लो गाइस लास्ट काम मेरा बच्चा है ये छिलने का, खाना वगैरह बन गया, इनको सबको छिल के रखूंगी मैं। ये दही जमा देते हैं और 11 बज गए गाइस, अब ऋषु को भी लेके आना है मेरे को। आज इसने दो सब्जेक्ट पढ़े थे, ये पढ़ा है तो सुनो ये भी आपका, ये क्या ये खाता था? गली का नहीं खाएगा, गली वाला है ये गली वाला क्या? बाय बोल दे मैं भी। आरती बाय। आज ऋषभ जीता क्या? पता है एक बार है ना जब है ना उस टाइम नहीं है एमपीएससी है ना, वो अपन वो लेके गए थे, लेके आए थे ना, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेड्स वगैरह बताई थी ना, तो है ना पता है कमेंट आ रहा था कि है ना आपने ना पार्थवी के भी है ना वो मार्क्स वगैरह नहीं बताए, ऋषभ के भी नहीं बताए है ना, ऋषु है ना डफर है और क्या बोलते हैं उसको, पार्थवी के है ना ज्यादा आए होंगे इसीलिए आपने बताए नहीं, पता नहीं क्या क्या। तो ये बच्चों में भी है ना एक बात है, नहीं तो एक गलत चीज है, किसी के कितने भी आए मार्क्स से थोड़ी फर्क पड़ता है। हाँ बच्चों में पहली चीज एडिकेट होने चाहिए है ना। पुष्टु तो बस पुष्टु एक बात है भी है शानी है यार, ऋषभ वैसे बदमाश बहुत ज्यादा है, बहुत सिंसियर है। ऋषलू हमारा बस आपको भाई साहब आ गया, आ जाओ मिलवा के लाती हूँ भाई साहब से, आ जाओ भाई साहब से। नहीं मिल रहा पास मत सो जाओ, मम्मी के पास सो जाओ। नहीं किसके पास सोऊंगी मैं तो पूजा के पास सोऊंगी। दिखा मुंह दिखा तेरा, क्यों सोती है पूजा के पास बता दे मम्मी को, क्यों सोती है यशविनी? मुझे नहीं। कौन प्यार करता है? मम्मी प्यार करती है, पूजा मासी करती है? पूजा मासी कैसे प्यार करती है बताओ? प्रिंसेस बोलता है तू, पूजा मासी की आई है प्रिंसेस, दिखा मुंह दिखा तेरा प्रिंसेस को, ये बोलती है प्रिंसेस बोलती है पूजा मासी है ना। ऋषु को मैं लेके आ गई, और ऋषु आप क्या क्या करते हो वहाँ पे मैम के पास? हाँ पढ़ाई।
पढ़ाई और क्या करते हो? खेलता हूँ। खेलता है और बस। रिशु है ना पता क्या बोल रहा है कि मम्मी है ना आप है ना प्लीज मुझे ना कल्पना मैम के घर पे ही भेजा करो पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पे है ना पार्थवी और मैं ना इजीली पढ़ लेते हैं, मतलब इनके क्या कंपटीशन होने लग जाता है दोनों के, जो भी लर्न वगैरह करने के लिए मैम देती है ना तो दोनों कॉम्पिटिशन करते हैं। आज हमारा रिशु जीता है। रिशु क्या क्या किया आपने? मैं पार्थवी एक ही करती रह गई, मैंने एक बार में तीन तीन कर लिए। अच्छा तो इसलिए ना मतलब इसको ना बच्चों को तो होता ही है यार थोड़ी कोई बहुत एक्टिविटी मिल जाती है पढ़ाई के साथ तो वो इजीली लर्न भी कर लेते हैं और होमवर्क वगैरह भी सारा कंप्लीट हो जाता है। कल का रिशु का एग्जाम है, किस चीज का है रिशु? मोरल साइंस। मोरल साइंस का कल का रिशु का एग्जाम है और कैसी क्या पढ़ाई है उसमें? उसके अंदर हमको बताना चैप्टर्स में क्या क्या हुआ, तो वो कौन आदमी था, उसने क्या किया था, वो लेजी था या फिर नहीं था। लेजी तो आप हो रिशु, आप उसके अंदर ये भी बताना पड़ता है, आप ऐसे वो खुद के बारे में बताना पड़ता है पूरा, ये समझो आप तो। अच्छा ऐसा है क्या, तो कल का एग्जाम है रिशु का, देखो कैसा क्या करके आता है। वैसे तो मैम ने बोला था मुझे कि है ना सारी चीज़ें मैंने लर्न वगैरह करवा दी है इसको, तो ये बस होप्स हो ये लिख दे, जो भी इसकी जो स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी रहती है रिशु की, और यार बच्चा ही तो है सेकंड में। टिक्की करना बस। अच्छा टिक्की करना है क्या रिशु? अरे दोनों की लड़ाई नहीं करनी अश्विनी, हम दोनों खेलेंगे अश्विनी। इसको पूछ ऋषभ पेपा पी कौन सी है, जॉर्ज कौन सा है। तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। होप सो आज का व्लॉग आप सबने एंजॉय किया होगा और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और कल हम देखने वाले हैं मूवी।